लोग जान तक दे देते हैं। मगर बहादुरगढ़ के साखौल गांव से जो खबर सामने आई है उसमें दोस्ती और इंसानियत तो दोनों को तार तार कर दिया, क्योंकि जिस दोस्त ने गांव से लाकर नौकरी दिलवाई रहने के लिए छत दी उसी दोस्त ने तैश में आकर मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज खबर ने बहादुरगढ़ में लोगों को दहला कर रख दिया है। एक युवक ने मामूली कहासुनी के बाद अपने ही दोस्त को हथौड़ा मारकर जान से मार डाला और वारदात को अंजाम देते ही मौके से फरार हो गया। मृतक अमरजीत बहादुर में पिछले लंबे वक्त से रह रहा था कि वो एक फैक्ट्री में काम करता था। करीब डेढ़ महीने पहले ही वो अपने गांव से दीपक नाम के दोस्त को साथ लेकर आया था। उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी भी दिलवाई थी। इतना ही नहीं, दीपक के खाने पीने का खर्चा भी अमरजीत ही उड़ा रहा था। मगर कुछ दिन पहले ही दीपक को तनख्वाह मिलने के बाद अमरजीत ने उसे अलग कमरा किराए पर लेकर रहने के लिए कहा, जिसके बाद से ही दोनों में आपसी कहासुनी होने लगी और आज दीपक ने अमरजीत के सिर पर हथौड़ा मारकर मौत की घाट उतार दिया। सूचना प्राप्त हुई थी कि अमरजीत आरोसा को 33 साल का युवक जो कि लड़ाई झगड़े में गायब है, इस पर पुलिस भेजे। जब हम यहाँ आए तो इन्होंने रेफर कर दिया था, उसकी हालत जो कि थोड़ी सीरियस थी इन्होंने परम शक्ति हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। वहाँ जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ उसकी पत्नी से संपर्क किया गया तो उससे पूछताछ की, उसने बताया कि ये टीटी के गांव का लड़का दीपक जिन्होंने नौकरी के लिए बुला रखा था, डेढ़ एक महीने यहाँ अपने पास रखते थे, ये उसको खाना वगैरह देते थे और साथ के कमरे में सो जाता था। आप काफ़ी दिन होने बाद इन्होंने उसको कहा कि आप कभी तू दूसरा कमरा ले ले और इसका खाने पीने का खर्चा कौन देगा। तो इस रंजिश में आके सुबह जब इसकी पत्नी बबीता बर्तन वगैरह धो रही थी, आके देखा तो इसने उसके खून फैला हुआ और वो आवाज़ें थी तो बोल नहीं रहा। ध्यान से देखने पर उसने पता चला उसके सिर में चोट है और पास ही थोड़ा पड़ा हुआ है। तो उसने पड़ोसी वगैरह इकट्ठे किए, एकदम शोर मचाया। तो जब ये बाहर देखा तो वो दीवार कूद के भाग रहा था ये लड़का दीपक, और कह रहा था मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उसने इसी रंजिश में कि मेरे को ये कह रहे थे अपना दूसरा कोई कमरा वगैरह देख ले, इस रंजिश में हथौड़े से उसका मर्डर कर दिया। तो उस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए क्या? आरोपी भाग गया, उसके लिए हम गिरफ्तार करेंगे उसको। अभी इसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाने बाद हमारी एक टीम गई हुई है उसको गिरफ्तार। मामले की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी, मगर जब तक घायल अमरजीत को अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार, धनखड़, पंजाब की सिटी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।